हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पीएलसी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, वो भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का। फ्रेंड्स, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का पीएलसी प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड्स, जो कि मैंने ट्यूडो स्वीट सॉफ्टवेयर पर किया है, जो कि स्नाइडर कंपनी का फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये अपना ये ट्यूडो स्वीट सॉफ्टवेयर है फ्रेंड। ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, मैंने उसे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आप लोग को सबसे पहले उसे तो समझाऊंगा, उसमें उसके बारे में क्या है। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद मैं आप लोग को उस प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये मैंने सॉफ्टवेयर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वह ट्यूडो सॉफ्टवेयर है स्नाइडर कंपनी का फ्रेंड। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं आप लोग को इसको समझाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, अपना ये जो पीएलसी प्रोग्राम हम बनाते हैं फ्रेंड, अपना ये जो पीएलसी प्रोग्राम बनाते हैं, वह स्टार डेटा स्टार्टर का जो कंट्रोल सर्किट है फ्रेंड, उसी को ही अंडरस्टैंड करते हुए इस प्रोग्राम को मैंने बनाया है फ्रेंड। ठीक है, आप पहले उसके कंट्रोल सर्किट को समझो, जो एक्चुअल में जो वायरिंग होती है, फिर उसको कैसे पीएलसी में अप्लाई करते हैं, प्रोग्रामिंग में अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ठीक है, और मैं आप लोग को इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि आप लोग कभी दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, ये है अपना स्टार डेटा स्टार्टर का प्रोग्राम। ये देखो अपना, ये स्टार है कॉन्टेक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है के लिए है, ये मेन कॉन्टेक्टर के लिए फ्रेंड। ठीक है, ये है, और हमने यहाँ पे एक टाइमर यूज़ किया है फ्रेंड, ये अपना T1 टाइमर है ये फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो बेस वैल्यू है ये यूज किया है, बेस वैल्यू 1 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, और ये 10 सेकेंड के लिए काउंट करेगा फ्रेंड्स। 10 सेकेंड काउंट करने के बाद देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि जो स्टार डेटा स्टार्टर में क्या होता है कि पहले स्टार कॉन्टेक्टर लगता है, फिर मेन लगेगा। ठीक है फ्रेंड, और कुछ समय के बाद, फिर उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर छूट जाता है, हट जाता है, होल्डिंग उसकी खत्म हो जाती है, फिर डेल्टा कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर की होल्डिंग बनी रहती है फ्रेंड, चालू हो जाते हैं डेल्टा कॉन्टेक्टर, उसके बाद चालू हो जाता है जो भी आप टाइमर में टाइम सेट किए फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखो, हमने यहाँ पे टाइमर का सप्लाई दिया हुआ है, जैसे ही हमने स्टार्ट बटन दबाया ये अपना टाइमर चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, टाइमर के एनसी से होते हुए, डेल्टा के एनसी से होते हुए स्टार कॉन्टेक्टर अपना यहाँ पे लग जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार कॉन्टेक्टर लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसी समय जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दबाए, ये अपना मेन कॉन्टेक्टर भी लग गया, और यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टेक्टर को होल्डिंग भी मिल गया, ये होल्डिंग के लिए यूज किया फ्रेंड्स। ठीक है, अपना ये होल्डिंग हो गया। अब क्या है कि जब जैसे ही टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा फ्रेंड्स, टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा, तो क्या हो जाएगा कि ये जो एनसी है वह एनओ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह एनसी स्टार कॉन्टेक्टर का जो एनसी है वह जैसे होल्डिंग लगा हुआ है तो एनओ हो जाएगा, और होल्डिंग छूट गया तो वह एनसी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे मेन कॉन्टेक्टर जो है, मेन कॉन्टेक्टर का जो होल्डिंग के लिए जब यहाँ पे सप्लाई किया था, वहाँ से यहाँ पे ये एनसी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेन कॉन्टेक्टर तो अपना पहले स्टार लगेगा, फिर मेन लगेगा, तो यहाँ पे ये जो मेन का एनओ है वो एनसी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, एनसी हो जाएगा, तब क्या है कि यदि स्टार चालू हो जाएगा तो ये एनओ हो जाएगा, तो इधर सप्लाई आगे नहीं जाएगा, तो डेल्टा नहीं लगेगा, और जैसे ही सप्लाई ये स्टार की होल्डिंग खत्म हो जाएगी, अपना एनओ का एनसी हो जाएगा, तो इधर से जो सप्लाई है वो इधर को चली जाएगी, डेल्टा कॉन्टेक्टर को लग जाएगा, अपना मेन तो लगा ही, डेल्टा भी लग जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आसानी से आप समझ लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अपना ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ था, और इसको अब रन करते हैं। स्टार्ट उस बटन को दबाते हैं फ्रेंड, अपना ये दूसरा नंबर का इनपुट है, यहाँ पर आप इस प्रोग्राम को रन किए, देखो ये ओके कर दिया, यहाँ पे ओके कर दिया। अब उसके बाद क्या है, ओके करने के बाद देखो
अपना देखो ये एक और तीन कॉन्ट्रैक्टर, स्टार और मेन कॉन्ट्रैक्टर लग गया। आपने यदि ध्यान दिया होगा ना तो पहले स्टार लगा था फिर मेन लगा था, अब यहाँ पे तो डेल्टा भी लग गया मेन भी लग गया अपना, ठीक है। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है। अब देखो हमने स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया, स्टॉप पुश बटन को प्रेस किया, अब देखो सारे आउटपुट का कुछ भी ग्रीन नहीं नज़र आ रहा, सारे सारे बंद हो गए। देखो स्टार डेल्टा मेन सब बंद हो गए, ठीक है। अब इसको देखो फिर अब यहाँ पे फिर से मैं पुश बटन को दबाता हूँ, स्टार्ट पुश बटन को, स्टार्ट पुश बटन को दबाया अपना। देखो पहले स्टार लगा फिर यहाँ पे मेन लगा, उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेंड यहाँ पे फिर उसके बाद कुछ समय के बाद डेल्टा लग गया, डेल्टा लग गया ना आपने देखा यहाँ पे ये डेल्टा लग गया, ठीक है फ्रेंड। इस तरह से हमारे यहाँ पर पी एल सी प्रोग्राम बनाया हुआ स्टार डेल्टा स्टार्ट लगा। आज के वीडियो में आप लोग को होप कि यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दो फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए इसी तरह का वीडियो बनाता रहूँगा फ्रेंड, ठीक है, ओके धन्यवाद। और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इसका प्रोग्राम चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आप लोग को इसका प्रोग्राम बना के दूंगा।